प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यहां दूसरी बार आ रहा हूं, लेकिन यह जनसैलाब देख मुझे छत्तीसगढ़ में परिवर्तन नजर आ रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज एक ओबीसी भारत का प्रधानमंत्री है, कांग्रेस इसे हजम नहीं कर पा रही है। वहीं ओबीसी समाज कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने के बाद सुशासन का समय होगा। छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी 10 राज्यों में लाने के लिए हमारे पास रोड मैप तैयार है। इसके साथ ही प्रदेश के जनता से पीएम ने अपील किया है कि छत्तीसगढ़ के सभी 90 सीटों पर कमल का फूल खिलाएं। अंत में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर घर घर में जाकर बड़े बुजुर्गों और समस्त लोगों को कहना मोदी आए थे और उन्होंने आप सभी को नमस्कार कहा है। संकल्प पत्र कल ही जारी किया है। इस संकल्प पत्र में छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें महिलाएं, यहां के युवा, यहां के किसानों को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है और भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो कहते हैं वो करके रहते हैं। छत्तीसगढ़ को भाजपा ने बनाया और मैं गारंटी देता हूं छत्तीसगढ़ को भाजपा ही संवारेगी। भाइयों बहनों, भाजपा के संकल्प पत्र के आगे कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा भी है। कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है? कांग्रेस की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरना। कांग्रेस की प्राथमिकता है अपने नेताओं के चहेतों को नौकरियां बांटना।